सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मारे बाबा नम्मा भी तैयार। लड़ाई मुसलमान की नहीं, मैं उस जगह आऊंगा, हमेशा एक सभा को खड़ा करता है, अदब के सामने पूरे मुल्क की बहनों बेटी और मां जो अपने पर्दे में रहती थी, इस वतन के लिए आज अपने पर्दे से निकलकर मुल्क की सलामती के लिए बैठे रहती है। आज मुसलमानों को जानना हो ना, मुगल और बाबर से ना जानो, इस्लाम की विचारधारा मुगल और बाबर के इतिहास से बहुत पहले है। जानना हो तो पैगंबर के मोहम्मद और हजरत की कुर्बानी से जानो, बाबर से मत जानो, मुगल के इतिहास से मत जानो। मोदी जी हमेशा हमेशा टारगेट, जब इस्लाम की आइडियोलॉजी नहीं थी तो दलितों पर टारगेट, जब इस्लाम की विचारधारा है तो मुसलमानों को टारगेट। कितना नफरत करते हो अपने ही वतन के खून से, जो मेरे वतन का है मेरे खून का है। क्यों हमें भी तो बताओ, कौन सा मुसलमानों ने भारत में कहा कि मैं गाय खाता हूं? मोदी जी कौन सा पत्रकार जी मुसलमानों ने कहा मैं गाय खाऊंगा? मोदी जी सिर्फ पप्पू यादव से नफरत पैदा करवाना, सिर्फ पप्पू यादव की घोट और सियासत की राजनीति में। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मोदी जी आप तो 10 क्लास तक पढ़े थे, अमित शाह लगता है 4 क्लास पढ़ के आ गए। उन्होंने कहा मोदी जी बहुत पढ़ लिए, जरा बैठिए, अब हमको शुरू करने दीजिए। और शुरू हुआ तलाक 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 तलाक। अरे मोदी जी पढ़े नहीं तो कम से कम जान तो लेते। कुरान शरीफ साहब में जाइए, 336वां पेज, जहां सूरे बकरा सूरे निसा में क्या कहता है, जाइए, इस्लाम हराम है तलाक, जाके सूरे निसा और बकरा को पढ़िए। अरे मोदी जी शरीयत पर आपने हमला किया, मुसलमानों ने कहा शरीयत छोड़ो, वतन से मोहब्बत करता शरीयत को। फिर भी गुस्सा गाते हैं, छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मारे बाना नमना भी तैयार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।